लोकसभा चुनाव से पहले अंतरिम बजट पेश होने के बाद आज सांसद जनार्दन मिश्रा ने अपने निज निवास में पत्रकार वार्ता आयोजन कर कहा कि ये अंतरिम बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 को आगे बढ़ाता है और अगले 23 वर्षों के लिए दिशा निर्धारित करता है जब भारत स्वतंत्रता की एक शताब्दी मनाएगा। ये बजट पिछले वर्ष के आधार पर बनाया गया है जो मोदी सरकार के साथ सबका विकास के आदर्श के अनुरूप गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को शामिल करता है। बजट में भारत के G20 की अध्यक्षता के वर्ष के दौरान मोदी सरकार द्वारा किए गए कार्यों को रेखांकित किया गया है जिसमें प्रकृति, आधुनिक आधारभूत संरचना एवं सभी के लिए समान अवसरों के साथ समृद्ध भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करते हुए भारत को दुनिया भर में विश्व गुरु के रूप में पेश किया गया है। इस दौरान सांसद जनार्दन मिश्रा से पूछा गया कि आपके सांसद रहते हुए उन्होंने कौन से एक ऐसा कार्य है जो वह पूरा नहीं कर पाए और खेद है, तो उन्होंने कहा कि कुपोषण को दूर करना मेरा मुख्य उद्देश्य था लेकिन उसमें मैं ये कसर पूरी कर पाने में नाकाम रहा हूँ जिसकी मुझे हमेशा टीस रहेगी। इसके साथ ही मिर्जापुर रेल लाइन का भी कार्य जो अधूरा रह गया उसको लेकर भी खेद व्यक्त किया है। इससे तो बहुत बड़ा लाभ मिला, नेशनल हाईवे चारों तरफ बने, ये हमारे कार्यकाल में हुआ है, चाहे वो मऊगंज रीवा से मिर्जापुर वाला हो, चाहे प्रयागराज का हो, चाहे शहडोल तरह का हो, चाहे सतना का हो, जबलपुर का हो, ये हमारे कार्यकाल में ये सारे नेशनल हाईवे बने, सारे ओवरब्रिज बने। पर मैं हमारे मन में था कि कुपोषण दूर हो और उसके लिए मैं चाहता था कि हर घर में एक मुर्गे का पेड़ बने, उससे हम 100% निजात पा सकते थे, वो एक मन में बहुत पीस है। दूसरा बाकी रीवा से मिर्जापुर रेलवे लाइन, वो कोविड की वजह से जो उसका मैंने एक कार्य योजना बनी थी वो पूरी नहीं कर पाए,